कोरोना काल ने जिंदगी के मायने ही बदल दिए, वहीं लोग के व्यापार के साथ साथ सब कुछ बदल चुका है। आज हम बात कर रहे हैं उस मनान की जो पिछले 10 सालों से लगातार गिटार बजाकर स्टेज शो के बड़े बड़े शो में शामिल होते थे, लेकिन कोरोना काल के चलते सब कुछ खत्म हो चुका है। वहीं आने वाले समय में फिर से इवेंट के काम शुरू होने में काफी समय लगेगा। अब ऐसे में मनान का कहना है कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन पर है, क्योंकि वह परिवार के बड़े बेटे हैं। एक महीने पहले उनके पिता का देहांत भी हो चुका है, वहीं पूरे घर की जिम्मेदारी मनन पर आ चुकी है। मनन बताते हैं कि उन्होंने कभी जीवन में सोचा नहीं था कि सड़कों पर यूं बैठकर मास्क व सैनिटाइजर उनको बेचने पड़ेंगे, लेकिन घर की स्थिति देखते हुए मनन ने बताया कि मकान का किराया और घर खर्च के लिए भी उनके पास पैसे नहीं। ऐसे में उनको अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए सड़कों पर मास्क व सैनिटाइजर बेचना पड़ रहा है। मनान मेरा नाम है। मनान, कितने समय से म्यूजिक से जुड़े हैं? 10 साल हो गए मुझे म्यूजिक से जुड़े हुए। इवेंट की अगर हम बात करें तो कहाँ-कहाँ इवेंट करे हैं? इवेंट्स वगैरह गोवा, दिल्ली, मुंबई, मतलब मोस्टली इंडिया में तो जगह जगह किए ही हैं। 10 साल हो गए, हमारा बैंड है, हम लोग साथ में परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा पुष्कर में अनंता हो गया और जितने भी रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पे हम लोग एवरी वीकेंड परफॉर्म किया करते थे, बट अभी तो उसके बाद एकदम मास्क लॉकडाउन के बाद में होटल्स इंडस्ट्री खत्म हो गई, टूरिज्म खत्म हो गया, उसके बाद में अभी है नहीं इवेंट्स वगैरह कुछ भी, शादी वगैरह कुछ हो नहीं रही है, तो इस वजह से घर चलाने के लिए सिर्फ फिलहाल मास्क ही कर। क्या लगता है कोरोना ने क्या लोगों की जिंदगी को बदल दिया? बिल्कुल यार, कई तरीके से कोरोना ने जिंदगी को बदल दिया है। मैं भी अभी आपके सामने देखिए, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ करूंगा, लेकिन घर चलाने के लिए, दो पैसे कमाने के लिए करना पड़ता है। जिस तरह से दुकान लगा रहे हैं आप, तरह से बस घर से निकलते हैं, सुबह 7 बजे यहाँ पे आते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं और मास्क वगैरह टाँगते और बस बेचना चालू करते हैं। अच्छा, बड़े बड़े स्टार की अगर हम बात करें तो किस के साथ? मैंने काम किया है अपने वॉइस ऑफ राजस्थान है, इंडियन आइडल के कई फेम है, उनके साथ काम किया है। और अभी रिसेंट अभी बीना कागजी के बर्थडे पे हम लोगों ने सोनाक्षी सिन्हा थी, सलमान खान सर आए थे और उसके अलावा यूले वांतूर थी, उनके लिए हम लोगों ने परफॉर्म किया था, काफ़ी अच्छा शो रहा था। और उसके बाद में ये सब लॉकडाउन हो गया और बिल्कुल काम लगता है एकदम जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आया है। बस कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो है उसके साथ खुद को ढालने की, कि ज़्यादा इफेक्ट ना हो, और सेविंग जो थी अपनी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, तो बस घर कुछ खर्चा चल जाए, परेशान ना हो, क्योंकि घर का रेंट भी देना होता है, लाइट वगैरह सब कुछ, पानी के बिल वगैरह सब कुछ देने हैं, तो फिलहाल यही कर रहे हैं। परिवार की अगर हम बात करें तो आपके परिवार से कौन कौन साथ में है? परिवार से मेरे पापा थे, पापा की रिसेंट अभी 1 महीने पहले ही डेथ हो गई, मैं ही घर का बड़ा हूँ, अब सब कुछ मुझ पर ही है, और पापा एडमिट थे 1 महीने तक, तो जो भी मेरी सेविंग थी सब कुछ ख़त्म हो गई, वहाँ पर लग गई, तो बस घर चलाने के लिए अब कुछ करना था, तो यही सोचा कि सैनिटाइज़र और मास्क ही एक रास्ता है, जॉब्स वगैरह किसी के पास है नहीं, जिनके पास जॉब्स ही उन्हें भी जॉब से निकाला जा रहा है, सो फिर यही कर रहा हूँ अभी फिलहाल। जिम्मेदारी पूरी आपका रही है? बिल्कुल, जिम्मेदारी पूरी मुझ पर। नाम बताएं? मनान मेरा नाम है।